होटल इंडस्ट्री संबंधित सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन होटलियर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटेलियर्स। दोस्तों, आज के वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी फैमिली में जुड़ चुके हैं, हमारी यूट्यूब की फैमिली में। इन उसमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने HM की डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया है और वो इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो आप लोगों को ग्रो करने के लिए क्या है, आपको ये बहुत ही खास है कि आपका नॉलेज, आपकी पावर होनी चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कहीं भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं या आप अपने जूनियर को बता सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही यही मोटो है कि आप जिस लोगों ने HM नहीं किया है, होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया है, नो प्रॉब्लम, बट आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को भी आगे लेके आ सकते हैं, इंप्रूव करके अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं और तेजी से। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वेलकम बैक गाइज, होप यू गाइज डूइंग वेरी वेल। बात करते हैं हम लोग के टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट, बट टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट के टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले इसको समझिए कि ये टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट का फंडा क्या है, इतने टाइप्स के ब्रेकफास्ट हमको क्यों रखने पड़े। हम एक टाइप के ब्रेकफास्ट से भी तो काम चला सकते थे ना। आपने कभी, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, होंडा बाइक है और बुलेट बाइक है। लोग होंडा बाइक से भी वही काम करते हैं कि हाँ हमको यहां से वहां जाने के ट्रैवल करना है, हमको वही काम होता है, बट आपको एक बुलेट है वो भी वही काम करती है, बट लोगों की चॉइस डिफरेंस है। और हम एक ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर गेस्ट की सेटिस्फेक्शन, गेस्ट की चॉइस को बहुत ही ध्यान में रखा जाता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के गेस्ट आते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के चॉइसेस हैं, उनके डिफरेंट टाइप के चॉइसेस को हमको पूरा करने के लिए हमको ये ब्रेकफास्ट बनाने पड़े। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं। हम उनकी, देखिए आपकी चॉइस अलग है, आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं है, लोगों को ब्रेकफास्ट हैवी करना पसंद है, किसी को ब्रेकफास्ट मीडियम ब्रेकफास्ट करना पसंद है, किसी को इंडियन ब्रेकफास्ट करना पसंद है। तो इन्हीं सब चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए, गेस्ट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये सब ब्रेकफास्ट बनाए गए हैं। कि अगर किसी भी चीज के बारे में आप नॉलेज ले रहे हैं तो पूरी नॉलेज लीजिए, जिससे कि आप किसी अगर दूसरे को समझा पाते हैं तो आप उसको और अच्छे से समझा पाए। I'm sure कि आप, मैं अभी इतना बोल रहा हूं और आपको यहां पर से शायद 25% ही आपके माइंड में घुस रहा होगा। अगर आपने वो 25% भी स्टोर करके अपने माइंड में रख लिया तो आपके आने वाली लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। गाइस, ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास इतने टाइप के ब्रेकफास्ट क्यों होते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे हमारे पास कितने टाइप के ब्रेकफास्ट होते हैं एग्जैक्टली में, और इसके डिफरेंस क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है ब्रेकफास्ट के, ईच एंड एवरी ब्रेकफास्ट के। सो गाइस, पहला टॉपिक लेते हैं हमारे पास कि टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट, जिसमें हमारे पास मैंने लिया हुआ है आपके हैवी ब्रेकफास्ट और लाइट ब्रेकफास्ट। दो टाइप के ब्रेकफास्ट हो गए इसमें। इसमें हैवी ब्रेकफास्ट में आता है आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट और दूसरा आता है टॉपिक हमारा लाइट ब्रेकफास्ट, जिसमें आता है आपका कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। बट इसमें और तीन टाइप के ब्रेकफास्ट और होते हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं आपके इंडियन ब्रेकफास्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट और आपके आता है हाउस ब्रेकफास्ट। अब इसमें जानते हैं कि हमारे ये ब्रेकफास्ट एग्जैक्टली में क्या है, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, हाउस ब्रेकफास्ट और आपके इंडियन ब्रेकफास्ट में क्या डिफरेंस है, इस पे आगे बात करते हैं। वीडियो को आगे डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं आपके जो हमारे दो टाइप के ब्रेकफास्ट हैं, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में क्या आता है आपका ब्रेड रोल, टोस्ट, प्रिजर्व और टी कॉफी। ये आपके चार आइटम्स हैं जो आपके कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में दी जाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइट ब्रेकफास्ट। ऐसे गेस्ट के लिए ये ब्रेकफास्ट बनाया गया हुआ है जो बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं इन द मॉर्निंग टाइम। ओके, और जो हमारा दूसरा ब्रेकफास्ट है वो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा हैवीएस्ट ब्रेकफास्ट है। ऐसे गेस्ट जो मॉर्निंग टाइम पे बहुत ही हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये ब्रेकफास्ट है, जिसमें आता है आपका फ्रेश जूसेस, आपके फ्रेश फ्रूट्स। ओके, उसमें आता है आपके प्रिजर्व, उसमें आते हैं आपके एग, मीट, फिश और आपके आते हैं उसमें सीरियल्स, और उसमें आते हैं आपके बेवरेजेस और उसमें आते हैं आपके ब्रेड्स। ये हैं कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट में आपके इंक्लूडेड रहते हैं, जिसमें कि आप उसमें चिकन में, अगर आप मीट दे रहे हो तो उसमें चिकन स्टिक वगैरह, चिकन सॉसेज वगैरह, चिकन हैम, चिकन, ओके, इस टाइप से आप उसमें आते हैं। हमने अभी तक दो टॉपिक पे बात कर ली कि हमारा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट क्या है और हमारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या है। अब बात करते हैं हमारे नंबर थ्री, हमारा कि अमेरिकन ब्रेकफास्ट क्या है। अमेरिकन ब्रेकफास्ट एक ऐसा बैलेंस ब्रेकफास्ट है ना, जो ज्यादा हाई
हाई रहेगा और न ही ज्यादा कोई लो रहेगा, कि आपका लाइट ब्रेकफास्ट भी नहीं है और वो ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट भी नहीं है आपका अमेरिकन ब्रेकफास्ट। अगर मैं बताऊं आपके इंडियन ब्रेकफास्ट की, आपने जो हमारे मॉर्निंग में 7 to 10:30 या 10 o'clock हमारा ब्रेकफास्ट लगता है इन इंडिया, जिसमें डोसा, इडली, सांबर, सेवियां, उपमा टाइप के आइटम्स लगते हैं, राइट, जो इसमें इंडियन क्यूजिन के आइटम्स लगते हैं, जो हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट लगता है, उसको बोलते हैं हम एक इंडियन ब्रेकफास्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात करते हैं हमारे हाउस ब्रेकफास्ट के बारे में, कि ये हाउस ब्रेकफास्ट क्या है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हाउस ब्रेकफास्ट का मतलब मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको, कि अगर आप एक यूएसए की होटल में काम कर रहे हैं और वहां पर 75% इंडियन गेस्ट जाते हैं, तो वहां पर एक स्पेशली हाउस ब्रेकफास्ट बनाया जाता है इंडियन क्यूजिन का। वो एक ऐसा ब्रेकफास्ट होगा जहां पर इंडियन क्यूजिन के मोस्टली आइटम्स रखे जाएंगे। वही कंपैरिजन करते हैं, अगर उसको कंपेयर करते हैं कि आप इंडिया में काम कर रहे हैं और आपके पास रशियंस गेस्ट ज्यादा आ रहे हैं, तो उसमें रशियंस फूड उसमें मेन्यू में इंक्लूडेड कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं एक हाउस ब्रेकफास्ट मेन्यू, राइट। ये हो गया आपके ब्रेकफास्ट कितने टाइप के होते हैं और इसके स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कुछ सुझाव सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग, कि आपको सर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप लोगों का कुछ डाउट है वीडियो को लेकर, अपने लाइफ करियर को लेकर, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके आप वहां पर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। जाते जाते सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप के सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वन मोर टाइम थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और ऑर्डर पिकअप करते रहिए, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वन मोर टाइम जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही बहुत सारी नई नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूं।